Karmanaivihi Sansiddhim Astita Janakadayah Loka Sangrahamevapi Sampashyan Kartum Arhasi Yad Yada Charati Srishtah Tatta Devetaro Janah Sayat Pramanam Kurute Lokastadanu Vartate Lokastadanu Vartate Karmana evahi yasmat purve chatriyaha vidvansaha sansiddhihi moksham gantum asthitaha pravattaha janakadayo janakachirpati pravattrayaha yadati prapta samyak darshanaha tato loka sangrahartham prarabdha karmatvat karmana sad eva Asanyasya eva karma sansiddhim asthita ityarthah. Atha aprapta samyak darshanaha janakadayaha tada karmana sattva shuddhi sadhana bhutena kramena sansiddhim asthita iti vyakheya shlokah. Atha manyasai purvaihi api janakadipi api ajanadbihi evam kartavyam karmam kratam Tavatana avasham annena kartavyam samyak darshanavata kratarthena iti Tathapi prarabdha karmayattaha tvam loka sangraham eva api lokasya unmarga pravatti nivaranam loka sangraha Tata eva api prayojanam sampashyan kartum arhasi Loka sangraha kah kartum arhati katham cha iti uchyate Yattat karma acharati yeshu keshu srishtha pradhanaha tattat eva karma acharati itraha anyo janaha tadanugataha. King cha sa srishtho yat pramanam kurute laukikam vaidikam va lokaha tad anuvartate tad eva pramaniya karoti ityartaha. So tasmat Satatam karyam karma samachara asaktohi acharan karma paramapnoti purushah. So Bhagavan ne ek niskarsh diya ki yajna rupi hi karm karo. Yajna rupi karm karte samay ye dhyan rakho. Karm vah hona chahiye jo niyat hona chahiye. जो तुमको शुभा देता है, जो तुम्हारे स्वधर्म में आता है, वो काम करो और वो कर्म करो जो स्वार्थ की भावना से प्रेरित ना हो, ईश्वर प्रीत्यर्थ हो, यह ईश्वर प्रेरित नियत कर्म एक दिन मत करो, सतत करो और यह सतत अभ्यास बहुत अच्छे से करो, समाचर मतलब परोपकार का काम अनमने ढंग से नहीं करना चाहिए हमें लगता है कि ये हमारे घर का तो है नहीं तो फिर इसको जैसे चाहे वैसे निपटा दे ऐसा व्यक्ति लोक संग्रह का कार्य नहीं कर सकता ये कर्मयोग नहीं कर सकता सो अर्जुन परम आपनोति यही परम को प्राप्त करने का एक तरीका है तो शुरुआती दौर की साधना के लिए जो सबसे पहली साधना है वो है यज्ञ रूपी कर्म अच्छा अर्जुन यही नहीं है और भी लोगों ने यहां पर इसी ढंग से इसको प्राप्त किया तो आता है 20वां श्लोक देखना है श्लोक क्या है
कर्मणैव, कर्मणि मतलब कर्मणा एव, कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनका आदय। इसके पूर्व में भी भगवान बोलते हैं कि जनक आदि लोग बहुत सारे हुए जो सिद्धि को प्राप्त हुए, और सिद्धि को प्राप्त होने पर उन्होंने कर्म का अनुष्ठान तो किया ही था, उनके जीवन में अकर्मण्यता तो नहीं दिखी, और अकर्मण्यता ना होते हुए भी, कर्म करते हुए भी उन्होंने उस परम को क्या किया, प्राप्त किया। तो एक जो हमारे मन में ये भ्रम है, भ्रम ये है कि छोड़ने से परम की प्राप्ति होती है, ये भ्रम निकल जाना चाहिए। अलूफ रहने से, किसी चीज को छोड़ देने से, मतलब ये छोड़ देने से, वो छोड़ देने से, अमुक छोड़ देने से, तमुक छोड़ देने से परम की प्राप्ति होगी, ये सच नहीं है, मन का खेल है। किसी को छोड़ने से और किसी को पकड़ने से इसका लेना देना ही नहीं। ये छोड़ने और पकड़ने का जो विषय है वो मन है, भाई ऐसा खाएं तो ये प्रभाव पड़ेगा, ये ना खाएं तो ये प्रभाव पड़ेगा, इसका लेना देना किससे है, मन से है, इसका लेना देना परम से नहीं है। भाष्यकार क्या कहते हैं, कर्मणा एव ही संसिद्धि, इनको जो सिद्धि प्राप्त हुई वो कर्म के द्वारा ही प्राप्त हुई। अब किसी ने प्रश्न किया कि मैं ये बात कैसे मानूं कि जनक सिद्ध थे, कोई व्यक्ति ये भी प्रश्न उठा सकता है। आप जिस व्यक्ति का उदाहरण ले रहे हो उस व्यक्ति को ये कैसे माना जाए कि उसको परम की प्राप्ति हो गई है या परम की प्राप्ति हुई, ये कैसे कह सकते हो आप? बोले मतलब जनक को प्राप्ति हुई या जनक को परम मिला, इसका क्या प्रमाण? अब क्या कहोगे हम? जनक को परम की प्राप्ति हुई, इसका क्या प्रमाण? अब जिसको आप प्रेषित कर रहे हो, भेज रहे हो मेरी ओर, क्या उस व्यक्ति ने परम को प्राप्त कर लिया? क्यों विट्विकर महाराज? कर तो दिया है क्योंकि उसका नाम अभी तक इसी चल रहा है, तो गलत भी चलता है। वो गलत तो सही, पर नाम चल रहा है उसका, नाम चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिसमें उसका नाम। हालांकि ये विषय से अलग, मैं से न्यूज सुन रहा था, ऐसे दो तीन व्यक्ति हैं जिनका 5 या 10 साल से जब कैबिनेट बदलती तो हर बार नाम आता है कि मंत्री बनेंगे, ठीक है, और 5-10 वर्षों में कभी भी उनको आज तक मंत्री बनते, लेकिन नाम 10 वर्ष तक चला। तो छोटा उदाहरण ले रहा हूं ना अभी, मेरा तो आक्षेप नाम चलने से वो होता है। ऐसे नाम क्या है आपके सामने, है कोई एक नाम जो चलता है और जो नहीं बन पाता कभी? अच्छे विद्वान हुए, अच्छे नेता भी, कर्ण सिंह, हर बार नाम चलता है कि विदेश मंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बने, और आज तक तो अभी तक बनते। नाम चलने से क्या होता है? नाम तो आप बोलो, आपका भी चला दे, उसमें कौन सी पड़े? ये क्या प्रमाण है कि जनक सिद्ध थे और मैं जनक को फॉलो करूं? इसलिए भगवान ने देखो एक गैप रखा है, जनक के बाद एक पद दे दिया आदय, जनक आदि, और आदि के नाम नहीं गिनाए,
नाम किसका गिनाया है? सिर्फ जनक का। तो भाष्यकार ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और ये ज्ञान पक्ष में तो पहले ही रखा जाता है। कोई ज्ञानी है या नहीं, इस बात को उस व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं कह सकता। ठीक है, उस व्यक्ति के अलावा ये कोई नहीं कह सकता कि वो व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी। छोटा उदाहरण लें, मेरी क्षुधा शांत हो गई है, इसका निर्णय कौन करेगा? आप खुद ही कर सकते हो। मतलब मेरे डकार लेने से मतलब ये नहीं है कि मेरी क्षुधा शांत, वो तो नाटक भी हो सकता है। मैं मना करूं कि मैं नहीं खाऊंगा, इसका ये भी ड्रामा हो सकता है। हो सकता है सचमुच में हो, मेरी भूख शांत हो गई, इसका जो निर्णय है वह व्यक्ति ही ले सकता है, है ना। इसी तरह से वह ज्ञानी है ये टोकन कोई लगा नहीं सकता, और जो लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं ये उसकी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा है। आप इसको प्रमाण नहीं कह सकते किसी ज्ञानी के लिए। देखो ये भाष्यकार भी इस बात को लिखेंगे, अभी देखना, किसी को नहीं कह सकते कि ये ज्ञानी है। अभी तो नहीं है, जब पहले कुछ वर्षों तक होता रहा कि जब कैंप लिया जाता था हमारे यहाँ, कुछ लोग गए होंगे तो गुरुदेव के बाद में भी उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। ठीक है, वो सर्टिफिकेट गुरुदेव ये नहीं कहते थे ये ज्ञानी होने का सर्टिफिकेट है। ज्ञानी होने का सर्टिफिकेट नहीं है ये सर्टिफिकेट, सिर्फ इस बात का है कि आप यहां पर 7 दिन आपने साधना शिविर किया, और होपफुली आशा की जाती है कि ये इनके जीवन में आएगा। सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञानी, क्योंकि इतना सत्संग कर लिया इसलिए जिसने सत्संग किया वो भी क्या हो गया, ज्ञानी। बहुत स्पष्ट बोल के रखते थे, इसको कोई सर्टिफिकेट मत समझे ज्ञानी का, मतलब वो भी सर्टिफिकेट दे नहीं सकते। बोले तो फिर आपने जनक का उदाहरण क्यों दिया? भाष्यकार कहते हैं देखो, दो ऑप्शन, या तो ज्ञानी है, या तो ज्ञानी है या तो अज्ञानी, यही बचा ना। बोले यदि ते, देखना भाष्य, यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनाः, मान ले कि उनको सम्यक बोध की प्राप्ति हो गई। इसलिए शब्द क्या लिखा है, सम्यक मिला आपको, प्राप्त सम्यक दर्शनाः, उनको वो चीज की प्राप्ति हो गई जो चीज चाहिए थी। यदि रखना शब्द क्या लगा, यदि ते मतलब जनक नहीं, जनकादय बहुवचन है ना, इसलिए यहां भी क्या आया, ते। यदि ते सम्यक दर्शना, मान ले वो लोगों को इसकी प्राप्ति हो गई, ततो लोक संग्रहार्थम, तो उन्होंने जो कर्म किया उसको क्या बोलेंगे, लोक संग्रह। वो ध्यान से समझना, ज्ञान के पश्चात भी व्यक्ति कर्म कर सकता है। आपने सिद्धांत क्या पढ़ा अभी तक, व्यक्ति कर्म कब करेगा? कर्म तभी करेगा जब वो किसी चीज को चाहेगा। चाहेगा मतलब क्या, कि अभी उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति, तो अभी तो वो भोगता है, अभी तो भूखा है, और भूख को शांत करने के लिए क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। अगर वो चीज मिल गई हो तो वो व्यक्ति कर्म तो
भाई पेट भर गया हो तो व्यक्ति खाना तो खाएगा ही नहीं। यदि वो ज्ञानी है तो आप तर्क में कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कर्म तो, यहां कहा जा रहा है ज्ञान पश्चात भी कर्म होता है। ज्ञान पश्चात वो वही करता है जो ज्ञान पूर्व किया था, ये भी। लेकिन ज्ञान पश्चात जो कर्म का उद्देश्य है वह पूर्व के उद्देश्य से अलग, समझना जरा, विभाग करना। ज्ञान पश्चात कर्म का उद्देश्य पूर्व के किए गए कर्म के उद्देश्य से अलग है। बोले ज्ञान पश्चात कर्म का उद्देश्य क्या है? बोले लोक संग्रहार्थम। भाई किसी की लाज रखने के लिए आपने एक रोटी आधी रोटी उसके सामने कुछ खाया तो क्यों खाया? आपको भूख लगी थी इसलिए नहीं। और संत लोग तो इसका उदाहरण ये देते हैं कि बच्चे का सामान टूट जाने पर बड़ा व्यक्ति भी थोड़ा क्या करता है, रोता है। तो क्या वो रोता है? अच्छा, ऐसा नहीं कि ये नहीं रोता था, जब ये छोटा था तो भी रोता था। तो दोनों के रोने में अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहला जो रोना था वो हमारे स्वयं की अतृप्ति का परिणाम था, और अभी का जो रोना है वो तृप्ति का परिणाम। क्योंकि हम, मुझे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मेरे रोने के नाटक करने से दूसरा वाला क्या हो सकता है, तो क्यों ना रुलाया जाए, समझना। मेरे ऐसा करने से यदि इसका जीवन संवरता है तो ये क्यों ना किया जाए। इसको बोलते हैं लोक संग्रह। भाई मुझको देखकर दूसरा भी ऐसा ही करेगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने देखा है ऐसे पेरेंट कि बच्चे पढ़े इसलिए वो माँ बाप भी थोड़ी देर क्या करने लगते हैं, बट उनको पढ़ने का उनका कोई उद्देश्य, वो किसके लिए बैठे? मान ले बड़े के सोने का समय अलग है और बच्चे का सोने का समय, लेकिन उस बच्चे को सुलाने के लिए माँ भी क्या करती है, क्या वो सोती है? पकड़ में आया? उसका सोना क्यों? क्योंकि मेरे सोने के कारण ये भी क्या हो जाएगा। इसको बोलते हैं लोक संग्रह। तो ज्ञान पश्चात जो कर्म होगा उसका कारण मेरी स्वयं की इच्छा नहीं है। बोले फिर देखो भाष्यकार लिखते हैं, यदि ते सम्यक दर्शनाहा ततो लोक संग्रहार्थम। और लोक संग्रह भी अपनी मर्जी से नहीं होगा। अब लो, लोक संग्रह भी प्रारब्ध कर्मत्वा, आपके जो प्रारब्ध के कर्म शेष हैं उन्हीं के आधार पर लोक संग्रह भी होगा। अभी उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं कि स्वामी विवेकानंद एक मार्ग निर्देशन का काम युवा से ही करते रहे, तो ज्ञान के पश्चात भी वो क्या करते रहे, भाषण देते रहे। कब? ज्ञान होने के बाद भी, ज्ञान होने के पहले भी वो भी करते थे। ज्ञान गुरुदेव को ले, अध्यात्म में प्रवेश न करने के पहले भी वो लिखते थे, ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी लिखने लगे, अध्यात्म में नहीं प्रवेश किया था तब भी लिखते थे, और प्रवेश करने के बाद में भी, क्यों नहीं हो सकता? तो उनके पास जो एक विद्या है वो लिखने की है, हो सकता है उसी लिखने के कारण ही वो क्या कर दें लोगों का, और आज आपके सामने है सब लिटरेचर। मान लो दूसरा है,
कई ऐसा मैंने एक दो संतों को देखा, उनको पूजा करने की आवश्यकता नहीं थी। और ऐसा माना जाता है कि जो वास्तव में शंकराचार्य है उसको पूजा करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता, बट कभी उनको देखते हैं तो वो तो 5 से 7 घंटे पूजा करते हैं। अगर आपने कहीं किसी के व्यक्तिगत उसमें देखा हो, क्यों, क्या कुछ चाहिए आपको? बोले चाहिए नहीं। किस लिए? अगर हम करना छोड़ देंगे तो लोग भी करना, ये आदमी नहीं समझेगा कि इसकी बुद्धि कहां तक पहुंची थी। तो अन्य लोगों को प्रेरणा देने के लिए वो क्या कर रहे थे, कर रहे थे किसके वशात, प्रारब्ध वशात, वो भी स्वतंत्र नहीं है, अभी याद रखना। हम जो चाहें वो नहीं कर सकते, जो जो पहले कर रहा था वही कर्म वो बाद में भी करेगा। तो शिवानंद जी पहले भी होम्योपैथी डॉक्टर थे और कर्म के ज्ञान के बाद में भी वो लोगों को दवाइयां देते रहे। पर मैं व्यवसाय बदलने की जरूरत नहीं, बुद्धि बदलने की जरूरत। हमको लगता है व्यवसाय ही बदल दो तो हम ज्ञानी हो गए। मैं तो अब भाष्यकार के यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शना, मान ले कि वो उस परम सत्य को प्राप्त कर चुके थे, तब लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणा सह एव हो गया असन्यस्य एव कर्म संसिद्धिम आस्थिताः। संन्यास ग्रहण किए बिना ही परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, मिला ना, असन्यस्य एव कर्म संसिद्धि। कोई जनक आदि ने गिरुआ वस्त्र या चोटी या माला पहन के धारण नहीं किया, पकड़ में आता है, गृहस्थ धर्म धारण करते ही संन्यास को प्राप्त हो गए। यही नहीं, दूसरा क्या है, अथ अप्राप्त सम्यक दर्शना, जो दूसरा विकल्प है वो क्या है, अथ, पहले क्या लिखा था, पहला शब्द क्या था, प्राप्त, अब क्या है, देखो जी, और ये मान लें कि वो अज्ञानी थे, मान लें, पहला शब्द क्या लिखा, प्राप्त सम्यक दर्शना, हा आ रहा है अंतर समझ में आपको, बहुत सावधानी से देखना। पहला शब्द क्या था, प्राप्त सम्यक दर्शना, आप क्या लिखते हैं, अथ अप्राप्त सम्यक दर्शना। और मैं ये मान लूं कि जनक अज्ञानी थे, तो बोले आप कर्म क्यों कर रहे थे, बोलते हैं अप्राप्त सम्यक दर्शना जनकादयः तदा कर्मणा, तब वो कर्म क्यों कर रहे थे, कर्मयोग, बोले शुद्धि साधन भूतेन क्रमेण संसिद्धिम, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धि मतलब उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए वो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे थे। शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान होता है, इसीलिए शब्द आया क्रमेण। तो देखो दोनों दृष्टि से कर्म हो गया कि नहीं हो गया, अगर अज्ञानी थे तो भी कर्मयोग हो सकता है, अगर ज्ञानी थे तो भी कर्मयोग हो सकता है। तो बोले अब हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है कि जनक, ये विषय नहीं, लेकिन शिष्य ने यदि आक्षेप किया तो शंकराचार्य जी उसका उत्तर तुरंत देते हैं। बोले हमारा विषय ये नहीं है, हमने तो दृष्टांत लिया था, अथ मन्य सही पूर्वी अपि जनकाद भी अपि, और यदि तू ऐसा मानता है कि आत्म तत्व को नहीं जानते थे तो भी ये समझ ले कि उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म, देखो भाष्यकार देखना पूरा लिखते हैं, हिंदी देख लें उसके बगल ही लिखी है, यदि तू मानता है कि आत्म तत्व को जानने वाले जनकादि पूर्वजों द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थी पुरुष को भी कर्म अवश्य करने
इसका मतलब आप आग्रह नहीं कर सकते कि इस ज्ञानी ने ऐसा किया तो वो उसको भी वैसा ही करना, ये कभी नहीं करना चाहिए। आमतौर पे व्यक्ति क्या कहता है, उन्होंने ऐसा किया तो फिर आपको भी ऐसा, उन्होंने अपने प्रारब्धवशात किया। अब कोई उनकी कॉपी करने की सोचे कि मैं भी लिखूंगा तो मूर्ख। उनका अपना प्रारब्ध, उनकी अपनी अलग बुद्धि, और दूसरा जो व्यक्ति है उसकी अपना प्रारब्ध, उसकी अपनी रुचि और उसकी अपनी बुद्धि, हो गया। एक ने किया इसलिए दूसरा कर... अरे आपके यहां तो अवधूत भी निकले नंग धड़ंग घूमते थे, बोले तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। गण में इसीलिए कहा गया द्वे मार्गे प्रवृत्ति मार्गे निवृत्ति मार्गे, दोनों का विषय क्या है, आत्मतत्व। अच्छा अच्छा बोले ये बात तो हमारी लोक संग्रह की हो रही थी, वो बताइए आप, तो कल इस बात पे चर्चा कर रहा था। तथापि प्रारब्ध कर्मायतः तम लोक संग्रहम एव अपि, ये बात को ध्यान से देखना आप जरा, कल मैं कह रहा था बात ये थी कि इन लोगों ने भी लोक संग्रह किया। लोक संग्रह का अर्थ मैं कल कह रहा था परोपकार, समाज सेवा। तो समाज की सेवा जो हम सोचते हैं क्रिया प्रधान, वो बहुत ही तुच्छ और स्थूल सेवा है। देखो समाज में ये भी एक मत है कि एक भूखे को आपने एक रोटी दे दी तो और आपने पाप कर दिया। बोले क्यों, उसको आपने क्या लत लगा दी कि तुम पड़े रहो और तुमको आके कोई ना कोई रोटी, तो वो व्यक्ति कैसा हो गया। आई बात समझ, आप उससे ये कहो कि ये काम करो और एक रोटी, ये क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं हमको विश्वास क्या है, सब बांट बूट दो और वही क्या हो गई, ये कोई समाज सेवा नहीं है। इस बात को भी गांठ में बांध के रखना, उस व्यक्ति को परिवर्तन क्यों नहीं किया जा सकता, वो समाज सेवा है। इसलिए भाष्यकार क्या बोलते हैं, उन्मार्ग, कल मैंने इसको अंडरलाइन कराया होगा, नहीं है तो अंडरलाइन कीजिएगा, क्या है लोक संग्रह को उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, निवारणम निवारणम मतलब हटा देना। क्या हटा देना, बोले प्रवृत्ति को ही हटा देना। कौन सी प्रवृत्ति, उन्मार्ग, जो उस मार्ग में उस व्यक्ति को क्या कर रही है, मतलब खराब मार्ग, दुष्ट मार्ग, जो अच्छे मार्ग नहीं है उस ओर उसकी प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति को ही रोकने को लोक संग्रह कहा जाता है। इसलिए मैं कल कह रहा था कि कर्म बदलने की बजाय उस व्यक्ति का मन बदलना चाहिए। हम जो प्रयास करते हैं वो कर्म बदलने का करते हैं। अभी इसी प्रवचन में कह रहा, कर्म और व्यवसाय बदलने से कुछ नहीं होता, आदमी तो तुम वही रहोगे। मैंने ऐसे भी लोगों के घर में देखे, लड़के बोले इस बिजनेस में मन नहीं लगता तो बोले दूसरा बिजनेस करवा दे। अच्छा चलो उनके पिता जिनका, दूसरा कर लो वो भी नहीं लगता, तीसरा वो भी नहीं लगता, तो आप बताओ गड़बड़ कौन है। मतलब तुमने अपना स्वभाव तो बदला नहीं, तो तुमको कितने भी बिजनेस करा दिए जाएं तुम वही के वही रहोगे। बोलने की तुमको तमीज नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, आने जाने का तरीका नहीं पता, कैसे रखा जाए ये पता नहीं है, तो आपको जो भी दिया जाएगा आप क्या करोगे, खत्म कर दोगे।
एक दो बार बदलने की कोशिश होनी चाहिए, और बार बार बदलने की कोशिश व्यर्थ है। अपने आप को बदलो ना स्वभाव को, और व्यक्ति को क्यों बदल ले। और हम और आप इस बात में होशियार हैं किस चीज को बदलने में। तो इनसे दिक्कत है, 10 दिन बाद उनसे दिक्कत है, 15 दिन बाद सबको बदल दो। अच्छा आप, और आपको भी किसी से दिक्कत है तो आपको भी बदल दिया जाए। नहीं, हम वहीं रहेंगे और लोग बदलते जाएं। हद हो गई। मतलब व्यक्ति अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला रहा है। अरे मेरा स्वभाव गलत है, इसकी पहचान ये है कि उसी गुण के कारण अन्य लोगों को भी आपसे क्या होगी, समस्या। भाई देखो, आपके ज्यादा बोलने और गलत बोलने से समस्या है तो एक ही व्यक्ति को नहीं, सभी व्यक्तियों को क्या होगा। मैंने इसे देखा है क्योंकि मेरा दायरा बड़ा हो जाता है, तो जिस चीज से मुझे समस्या है तो आप उनके घर पे जाओ ना, तो किनारे में व्यक्ति ले जाके बोलेगा असलियत में स्वामी जी समस्या ये। अब यही तो मैं कहता, यही तो आश्रम में भी समस्या है इसके साथ। और उसके फ्रेंड्स के पास जाओ, समस्या यही है। लो, घूम फिर के क्या बात आई, व्यक्ति को मत बदलो। हम लोग किसको बदल लेते हैं, यदि बदलने में माहिर हैं और थोड़ा पावर है तो क्या कर दिया, व्यक्ति को। व्यक्ति को बदलने से नहीं होगा, स्वभाव को बदला जाए। तो ज़्यादा दिन तक, मैंने ऐसे भी लोग देखे कितने सालों तक लोग रह जाते हैं, कुछ तो होगा। तो यहाँ पे भी यही बात बोली, व्यक्ति के मन को बदलो, कर्म को मत बदलो। कर्म तो अपने आप बदल जाएगा जब मन अपने आप बदल जाए। अब समाज सेवा इस दृष्टि से देखो तो हम मन बदल रहे हैं कि कर्म, सोच के देखो आप क्या करके आ रहे। और मुझे तो लगता कर्म भी नहीं बदल रहे, वो तो हमें उसका क्या बोलते हैं, उसका क्या आता है, उसका ग्रांड आता है ना एक, इतनी तो आपको समाज सेवा में पैसा क्या करना है, तो उसको तो कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा। तो आप बैनर लेकर पेड़ लगाते हुए और 2-4 गरीब गरीब को इकट्ठा कर लो तो आपका ग्रांड भी मिल गया, अखबार में फोटो भी आ गई, एल्बम भी लगा दिया। और अच्छी बात ये है कि सबको दिखाते भी हैं एल्बम। और सबसे बोरिंग काम है एल्बम देखना, मैं आपको बताऊँ, बहुत बोरिंग काम है। महाभारत जैसा इतना बड़ा बड़ा रखेंगे एक तो एल्बम, और देखो एक सच्चाई है उसको स्वीकारिए, जहां व्यक्ति की अपनी फोटो नहीं होती उसको देखने मजा नहीं आती, मैं आपको साफ बता रहा हूं। व्यक्ति अपना दिख जाए तो उसको लगता है देखो चलो 2-4 फोटो तो उसी इसमें देख डालो, आप उसमें हो ही नहीं और मोटा मोटा आपने एल्बम रख दिया। पेड़ कोई पुरस्कार दे रहा है, अरे भैया अब हमसे क्या मतलब, आपको मिला है कि नहीं मिला। देखो आप बोर होते हुए, हमें मिलता है तो मैं क्या करता हूँ पता है, कुछ मंगाने भेज देता हूँ, जाओ पानी ले आओ, तब तक मैं 20-25 पन्ने इकट्ठा में क्या करता हूँ, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, रखो। सबसे बोरिंग जॉब। और व्यक्ति को बड़ा होता है दिखाने में। ये समाज सेवा की मैंने। और घर में क्या समाज सेवा है, सबके 4 लोगों के 4 मुंह हैं, वो अलग नाराज, ये अलग नाराज, ये अलग, और हम बड़े बड़े समाज सेवक आप लोग, ये कोई समाज सेवा हुई। देखो आप नहीं, इसको थोड़ा गंभीरता से समझना, ये समस्या ही इसलिए जन्म हो रही है, हम मन नहीं बदल रहे। भाष्यकार बोलते हैं उन मार्ग प्रवृत्ति, वो जो प्रवृत्ति इस ओर हो रही ना उसको रोकने की कोशिश करो, तो इसको बोलते हैं समाज सेवा। तो जो आप समाज सेवा करते हो ना ये करो आप। अच्छा, तथा तम एव अपि प्रयोजनम संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो वह लोक संग्रह करता है, वह लोक संग्रह तब करता है जब वह स्वयं में क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और यदि इसके बाद भी करते हुए दिखाई देता है कर्मयोग, तो उसका कारण क्या है,
वो अपने मन को क्या करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, इसलिए क्या कर रहा है, कर्मयोग कर रहा है। अब बोले लोक संग्रह की बात आई अर्जुन, तो एक बात बताऊं तुम्हें, बात ये है कि जो आदमी है व्यक्ति, ये बहुत नकलची जीव है, बहुत ही नकलची जीव, इसका जन्म जात स्वभाव है नकल करना। जब से पैदा होता है तो माँ बाप की नकल करेगा, नकल मतलब ये दूसरों को देखेगा जरूर, आपको बताऊं बिना देखे नहीं रह सकता, इसको बोलते हैं नकलची स्वभाव। नकलची मतलब दूसरों की तरफ देखकर अपने में भी वो ढाल लें कि अब ये अच्छी भी बात है और बुरी भी है, इसको ऐसा कोई निर्णय आप नहीं दे सकते कि खराब है, अच्छी भी बात है और बुरी भी है। प्रश्न ये है कि व्यक्ति नकल क्यों करता है, सोचो जरा आप इस प्रश्न का उत्तर, व्यक्ति नकल क्यों करता है। हाँ, वेरी गुड, और एक तो उसको ये लगता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है इसको वो चीज मिली, ध्यान रखना व्यक्ति से प्रेम नहीं है अभी इसको, व्यक्ति इस हाइट तक पहुंचा है ये सत्य है, और मुझे भी इस हाइट तक पहुंचना है ये भी, ठीक है। पहला मन का फंडा ये, मुझे भी ऐसी ही चीजें यहां तक जाना है जहां तक ये व्यक्ति गया है, पहला। अब ये व्यक्ति गया कैसे, इसने उस लेवल को अचीव कैसे किया, तो वो उसके क्या देखता है, कर्म। पकड़ में आ रहा है, पहला देखता है अचीव किया कि नहीं किया। भाई सबकी कॉपी आप नहीं कर सकते, आप यार बहुत ज्यादा ऊंचे की भी कॉपी नहीं कर सकते। भाई आप राष्ट्रपति को देखो, बोले हमें भी इतनी कार चाहिए, तो आप वो भी नहीं सोचते। हाँ, जिसके पास एक दो तीन है तो हम भी क्या सोचते हैं, हमारे पास भी एक दो तीन तो हो सकती है, अपना स्तर आपने बनाया कि नहीं बनाया। अच्छा, जिसके पास एक ही है वहां पे भी आप नहीं सोचोगे। व्यक्ति नकल किसकी करेगा, दिस इज फर्स्ट, और क्या करेगा, आया ये इस प्रश्न का उत्तर है, जो समाज का बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित है। यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्त इतरो जनाः सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। व्यक्ति उन चीजों को चाहता है, यदि किसी में वो देखता है तो उस कर्म को वो क्या चाहता है, मैं भी ये कर्म करूं, फॉर व्हाट पर्पस। जो इसको मिला वही क्या मिल जाएगा, मुझे भी मिलेगा। हो गया कि नहीं हो गया। व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ लोगों का आचरण करता है, कनिष्ठ लोगों का नहीं, ये याद रखना। हाँ, अब मैं आई रहा, लोग उसकी तरह दाढ़ी रखते हैं, किसकी तरह, अमिताभ बच्चन की तरह। क्यों रखते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि इसको जो प्रसिद्धि मिली वो इस पैंट पहनने के कारण मिली, तो मैं भी ऐसे ही पैंट पहनूं। आपने अमिताभ बच्चन की तो बात कर दी, वही इन लोगों की बात आप क्या कहोगे, माताजी लोगों की है।
अब आपको पता है एक जमाने में माता जी लोग वैसे ही जूड़ा बांधती हैं, वैसे ही बाल करेंगे, वैसे ही वो पलक बनाएंगे। क्यों? जैसे उसको लोग चाहते हैं वैसे हमको भी क्या करें लोग। देखो जी, ये कहीं मन में छिपा हुआ है। अच्छा, किसी ने ललिता पवार की कॉपी नहीं की? किसी ने एके हंगल की कॉपी नहीं की? वो भी तो थे भाई पिक्चर में, उनको क्यों नहीं देखा? आई बात समझ में? हम उसको देखना चाहते हैं जो पहले ऊंचाइयों पर है, और अगर मैं वो अपने में कर लूं तो मुझे भी लोग क्या करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, भगवान में बात कह रहे। तो जिम्मेदारी किस पे है? श्रेष्ठ गणों पर, क्योंकि तुम अनुसरण करने वालों को नहीं कर मना कर सकते। अनुसरण जिसका किया जा रहा है संख्या में वो एक होगा, और अनुसरण करने वाले तो एक बदल जाए तो वो सब बदल सकते हैं। सबकी बदलने की बजाय एक बदले, इसलिए भगवान उन लोगों के लिए बोलते हैं। देखो जरा, यत प्रमाणम कुरुते, अब इसको तो और आप टेक्निकल भाषा में बोलें तो व्याप्ति, अब दर्शन की भाषा में बोलूं, मन में एक व्याप्ति बैठती है। मैंने पढ़ा है व्याप्ति मतलब संबंध, टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं हम, व्याप्ति। व्याप्ति जैसे संबंध मतलब, नहीं नहीं नहीं, टेक्निकल व्याप्ति का उदाहरण क्या दोगे? आपने ये संबंध देखा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इसको क्या बोलेंगे आप? व्याप्ति। तो व्याप्ति मतलब संबंध, और संबंध मतलब दो लोगों का, ठीक है? व्याप्ति मतलब संबंध, संबंध किसका? दो लोगों का। क्या संबंध देखा आपने? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है। ये संबंध कैसे बनाया आपने? इसको आपने पहले कहीं देखा है, उस देखने के कारण आपने क्या बनाया? संबंध, व्याप्ति। अब आपको नहीं दिखाई देता है पहाड़ पर क्या चीज, ठीक है? अग्नि नहीं दिखाई देती है, दिखाई क्या देता है? और आपने क्या कह दिया कि वहां पर आग तो नहीं देखी आपने? जैसे मैं आज कहूं, मुझे आज लगा ऐसा रात में कि यह ठंड आ गई है, बोले बर्फ गिरी है। कहां गिरी है? तो यहां दिखी क्या? तो इसका ना आपने ये संबंध कहीं देखा है कि बर्फ गिरने से ठंड, ठीक है? आज बर्फ नहीं दिखाई देती है फिर भी ठंड है, ये ज्ञान हो गया। इसको बोलते हैं व्याप्ति, टेक्निकल टर्म में समझ में आने चाहिए। व्याप्ति मतलब संबंध, सहचार दर्शन, दो लोगों के संबंध को देखना। ऐसे ही व्यक्ति जब नकल करता है तो पहले उसके मन में व्याप्ति होती है, इसने ऐसा किया तो ऐसा बाल, क्या बोल, बाल पहना कहना तो गलत है, ऐसा बाल बनाया, ऐसा कपड़ा पहना, इसके कारण इसको क्या मिली? सफलता। देखो तो ये क्या उसने देखा? व्याप्ति। और उसने सामने क्या देखा कि व्यक्ति का क्या हो रहा है? सम्मान हो रहा है, लोग इसको बहुत चाहते हैं। अब उसने अपने में भी परिवर्तन लाना क्या कर दिया? चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने व्याप्ति को क्या करके रखा है? देख के रखा है। अब समाज के बड़े लोगों पर, श्रेष्ठ लोगों पर, देखो भगवान का शब्द याद रखना, अर्जुन इस श्लोक पे भी रहना, तुम श्रेष्ठ हो, तुम बड़े हो, तुमको लोग मानते हैं,
क्या कि संसार का सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है? अर्जुन। इस बात में तुम्हारी मिसाल दी जाती है, तुम श्रेष्ठ लोगों की सूची में हो। यद यदा चरति श्रेष्ठ, यद यदा, अर्जुन जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं, श्रेष्ठ मतलब बड़े लोग, तत् इतरो जनाहा, तो दूसरे लोग भी क्या करते हैं? अब आपने माँ बाप यदि वैसे कपड़े, वैसी बोली, वैसा शब्द बोलते हैं तो बच्चे भी वही शब्द क्या करते हैं? कहाँ से सीखा? बोले किसी ने सिखाया नहीं, अपने आप क्या हो गए? सीख, कहीं से तो सीखा, सीखा उन्होंने इस संबंध को कहीं क्या किया है? ऐसा शब्द बोलने से ऐसा काम होता है, ये संबंध देख रखा है उन्होंने, वो भी ऐसा संबंध बोलकर ऐसा काम करने की कोशिश करेगा। भाई मैंने बोला ना, बच्चा गाली क्यों दे रहा है? उसने घर में देखा कि गुस्से में व्यक्ति आता है तो ऐसी गाली देता है तो काम हो जाता है, तो मैं भी घर में गाली दूं तो मेरा भी काम, वेरी सिंपल। उसने भी बोल दिया गाली, उसमें क्या, उसको गाली की डेप्थ नहीं पता है। यद यदा चरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यद यदा चरति, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं तत् देवे इतरह जनाः। मान हम कई चीजें उनसे सीखते हैं कि वो ऐसा करते थे तो अब मुझे भी ऐसा करना, ये हमने किससे सीखा? बड़े से। स वो जो जो दूसरा आपको मानता है ना, वो क्या कहता है? मेरे लिए ये प्रमाण है। कौन? ये व्यक्ति। मेरे माँ बाप अगर उल्टा पहनते थे मैं भी उल्टा ही पहनूंगा, क्यों? वो उन्हीं को क्या मानता है? प्रमाण। समाज एक तरफ हो जाए नहीं माने, वो कहे बचपन से मैंने ऐसे ही देखा है। स यत प्रमाणम कुरुते लोकः अनुवर्तते, बहुत बढ़िया श्लोक है, आगे और देखेंगे इसको। हाँ जी, हाँ, तुम्हारे वंश में पहले भी लोगों ने, अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्वमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। पूर्व पक्षी था, ये तो राजा थे, तो इनको आत्मज्ञान प्राप्त करने को किसने कहा? साधु स्वभाव लाने का इनका काम थोड़ी ना, ये तो क्या थे? राजा, और वो भी ब्राह्मण नहीं है, तो सन्यास की बात कहाँ से आ गई और आत्मज्ञान में कहाँ से लग गए? ये प्रश्न उठाता है, भाष्यकार ने उत्तर दिया है, कर्मणा एवी अस्मात् पूर्वे क्षत्रियाः विद्वांसा। अर्जुन, क्षत्रिय व्यक्ति विद्वान ज्ञानी हो सकता है, इसलिए उसमें दो कोटियाँ हैं, राजर्षि अलग है, ब्रह्मर्षि अलग, और क्षत्रिय हो सकता है। राजर्षि अलग है, ब्रह्मर्षि अलग है, राजा रहते हुए कर ले तो ठीक है, पद छोड़ने के बाद करे तो।